शीला के रसोई में आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं शीला का रसोई। देखिए आज चिकन बनाने जा रहे हैं। चिकन लाए हैं 750 ग्राम है। इसको धो लिए, सुखा लिए धो करके। अब इसको आज थोड़ा अलग अलग स्टाइल में बना रहे हैं। देख लीजिए चिकन है, धो लिए हैं। आज 2 प्याज पड़ेगा, 4 हरा मिर्च है, थोड़ा सा अदरक है और लहसुन का पेस्ट पड़ेगा। और आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे मसाला क्या पड़ेगा। तो आज इसको क्या करते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा में इसको कटिंग करेंगे। बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा छोटा जो है ना सो काट करके इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा इसको बनाएंगे और तब आपको बताएंगे किस तरह से बनाएंगे। अब आगे वीडियो में दिखाएंगे चिकन को छोटा छोटा पीस में काट लिया और प्याज महीन से काट लिया, हरा मिर्चा काट लिया। अब कढ़ाही गर्म हो रहा है, इसमें तेल डालेंगे। अब सरसों का तेल डाल रहे हैं। चिकन जो बनाने जा रहे हैं थोड़ा नया स्टाइल में बना रहे हैं। तेल गर्म हो गया है, थोड़ा जीरा डाल दिए, 1 तेज पत्ता डाल दिए, जीरा जब जल गया, देख लेते हैं जीरा जल गया तो प्याज और हरा मिर्च, देखिए 4 मिर्च है, प्याज डला गया। और जो चिकन को जो कटिंग किए थे ये सब चिकन इसमें डाल देंगे। छोटा छोटा बना दिए हैं, ठीक है, छोटा छोटा पीस रहता है उसे होता क्या है अंदर तक नमक मसाला सब अंदर तक जाना है। ढक दीजिए 5 मिनट के लिए कम से कम इसको ढक देना है, पकने देना है। 5 मिनट हो गया, इसको खोलते हैं ढक्कन को और इसको चलाते हैं। देखिए पानी छोड़ दिया है चिकन, क्योंकि प्याज भी तो कच्चा ही था ना, साथ में सब गिराए थे इसमें। अब इसमें करना क्या है, माने ये झटपट तैयार होता है चिकन। छोटा छोटा पीस कर दीजिए और उसके बाद इस तरह से बनाइए तो मतलब आप ये क्या कहते हैं भात रोटी सबके साथ खा सकते हैं, ग्रेवी नहीं बनेगा। देखिए पहले अभी हल्दी दिए 1 चम्मच और 1/2 चम्मच हल्दी, लहसुन जो है 1 चम्मच पड़ेगा पेस्ट, फिर आपको जो अदरक दिखाए थे उसको खल मूसर में कुच दिए हैं उसको डाल दिए। फड़कता है, फिर इसको थोड़ा चला देते हैं फिर आगे दिखाएंगे। जले नहीं इसलिए बीच बीच में चलाते रहते हैं। फिर इसमें 1 चम्मच लाल मिर्चा का पाउडर पड़ेगा, थोड़ा चटपटे बनेगा तो अच्छा लगेगा खाने में। अब आप लोग चिकन खाते हैं कि नहीं पता नहीं, हम तो खाते हैं। 1 चम्मच धनिया का पाउडर, मसाला सब पड़ गया है इसमें। अब इसको सिर्फ चलाना है। नमक पड़ेगा लेकिन अभी नहीं पड़ेगा नमक। अब बहुत टेस्टी इस तरह से बनाइएगा ना, झटपट तैयार होता है आपको। फिर ढक दिए 5 मिनट के लिए, धीरे आंच पर धीमी आंच पर पकाना है चिकन को। हो गया, ढक्कन खोलिए, देखिए कितना अच्छा से पक रहा है। वाह, इसमें आज पानी नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसी तरह से तैयार होगा चिकन। ये है कि दाल भात पर ही खाया जाता है ऐसा चिकन, रोटी के साथ भी खाते हैं।
जिनको ग्रेवी नहीं चाहिए। अब नमक जो है उस स्वाद अनुसार, नमक नहीं पड़ा था इसीलिए स्वाद अनुसार नमक दीजिए। उसके बाद एवरेस्ट का चिकन मसाला हम देते हैं एक पैकेट, फिर इसको चलाइए। झटपट चिकन तैयार हो जाएगा। इस विधि से जरूर आप एक बार बनाकर खाइएगा घर में। तो फिर 5 मिनट के लिए पकने दीजिए। अब पानी छूट गया है, मसाला डाल दिया, थोड़ा सा गैस तेज कर देते हैं। 1 मिनट हो गया, इसी तरह से चिकन लगभग पक गया है। देखें किस तरह से हम चिकन बनाए हैं, है? सिर्फ रोटी या परोठा के साथ खाना है क्योंकि इसमें तो पानी पड़ेगा नहीं। या चिकन इसी तरह कम लो अति गैस पर, कम लो पर ऐसे सीझेगा। कम कर दीजिए गैस और पकाते रहिए चिकन को, बस पक गए। 5 मिनट और फिर पकने देते हैं। देखिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है चिकन। चलिए हम तो खाते हैं चिकन, अगर आप लोग खाते हैं तो जरूर इस तरह से बनाइएगा चिकन। ये हो गया चिकन बिना ग्रेवी वाला। इसमें एक मसाला कम गया है, डालना है मसाला 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। अब पूरा पूर्ण मसाला सब पड़ गया इसमें, सिर्फ फ्राई हो रहा है। मसाला सब पड़ा है, इसी तरह धीमी आंच पर प्याज से पानी छूटा, चिकन से पानी छूटा, उसी से चिकन पक गया। इस तरह से भात दाल रोटी बनाइए, उस पर इस तरह से चिकन बना करके खाइए। और नहीं दाल बनाना है तो फिर रोटी के साथ खाइए। फिर ढक देते हैं, 5 मिनट और पकने देते हैं, बस अब तैयार। 2 मिनट हो गया, कितना अच्छा चिकन, देखिए बिना पानी का चिकन देखिए ऐसा बना है। इसका कारण क्या है, अब जब चिकन डाले इसमें और प्याज साथ में डाले इसीलिए पानी छूटा, और धीमी आंच पर बनाए हैं इसलिए। देखिए बिना ग्रेवी वाला चिकन तैयार हो गया। इस तरह से आप लोग चिकन बनाइएगा। अब तो पूरे पक गया है चिकन, अब इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब पकाने का। आप इसे देखने के लिए चाहते हैं तो देखिए, देखिए चिकन, देखिए देखिए हड्डी छोड़ दिया है, देखिए किस तरह से। देखिए इस चिकन में पानी नहीं पड़ा है। इस तरह से चिकन जरूर आप बनाइएगा अपने घर में, छोटा छोटा पीस कर दीजिए या वहीं से करवा लीजिएगा। हम तो घर में किए, आप जहाँ मुर्गा लाने जाते हैं वहीं छोटा छोटा पीस करवा लीजिएगा। इस तरह से चिकन बनाइएगा। गैस को बंद कर देते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।